नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शोगामा की आवाज़। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के द्वारा गांव तावली में एक तालाब पर किए गए कब्जे को लेकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर सोमवार को भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति के नेतृत्व में गांव तावली के कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों के द्वारा तालाब पर किए गए दबंगों द्वारा कब्जा हटाए जाने की मांग की गई, जिसको लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन करने के बाद जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मोहन प्रजापति ने कहा कि गांव तावली में तालाब नंबर 121 के प्रशासन द्वारा खुदाई चल रही है। वहीं खुदाई में दबंगों के द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को भी हटवा दिया जाए, क्योंकि तालाब पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर लगातार ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द तालाब से दबंगों का कब्जा हटाया जाए। मोहन प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा। आज देखो, बगरा ब्लॉक का गांव पड़ता है तावली गांव, उसके ही सैकड़ों लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं ज्ञापन देने के लिए भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में। गांव तावली में एक तालाब है 123 नंबर का, जिसमें की खुदाई चल रही है प्रशासन द्वारा, लेकिन कुछ दबंग लोगों ने न्यू वगैरह भर के खोखे वगैरह रखवा कर प्रधान सेक्रेटरी व अन्य अधिकारियों ने साठ गांठ रख के उस कब्जा उनसे हटवाया नहीं जा रहा है। उसी कब्जा हटवाने की मांग को लेकर ही आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुँचे हैं और एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है, जिसमें हमारी मांग रही है कि पूरी पैमाइश करवाकर तालाब की कब्जा मुक्त कराकर, बलपूर्वक उसे तालाब को कब्जा मुक्त कराकर उसकी पैमाइश कराकर उसकी खुदाई कराई जाए, यही हमारी मांग है। और अगर तालाब से जल्द कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो बड़ा आंदोलन भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा द्वारा किया जाएगा। पूरे जनपद भर में कई दर्जनों तालाब ऐसे हैं जिन्हें दबंगों लोगों द्वारा अपने घर मकान बनाकर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसके जो है विरोध में भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा अब धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से सभी जनपद के सभी तालाबों को कब्जा मुक्त कराने का काम करेगा। तालाब पर न्यू भरक किए दर्जनों लोगों ने और खोखे वगैरह रख रखे दबंग लोगों ने, इस तरीके का कब्जा कर रखा, लेकिन आप अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन? जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा और अगर नहीं कराया जाता तो भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा द्वारा बड़ा आंदोलन जिलाधिकारी कार्यालय पर किया जाएगा। हाँ, ये सहयोगी लोग हैं अपने सब, देखो तालाब से सब पूरे क्षेत्रवासियों को सबको लाभ पहुँचता है, जल स्तर घट रहा है, कहीं ना कहीं सबको पूरे क्षेत्र की धरोहर होती है तालाब, पूरे लोगों की, पूरे आवाम की, गांव की, क्षेत्र की, सबकी एक धरोहर तालाब होता है, तो उसे बचाने के लिए सब लोग ही एकजुट हैं।